जामे पिता इस्लामी आया तो यह भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का निकला हुआ एक अंग था। जिस तरीके से जब मैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस जब पढ़ने गया तो वहाँ जो हमारे प्रोफेसर थे फरूख फहीम सर या पी के शाहजहां सर, ये सबके सब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। जिस तरीके से मैं यह कह सकता हूँ कि मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भले पढ़ा हूँ या नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन मैं अली हूँ। लेकिन दोस्तों, यह जो वक्त है यह बहुत ही हमें समझने की जरूरत है कि आखिर ये भाई प्लीज 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 सेट डाउन, यह जो वक्त है हमें समझने की जरूरत है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर यह संगी गुंडे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कैसे इंटर कर जाते हैं। दोस्तों जब आप इस चीज को समझेंगे, आप गूगल पे सर्च कीजिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चिन्ना की तस्वीर, तो आपको दो आर्टिकल मिलेगा, एक सुदर्शन न्यूज का मिलेगा और एक डेक्कन हेराल्ड का मिलेगा। यह आर्टिकल 2016 का है, जिसमें आलोक कुमार नाम का एक आदमी है जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे आरटीआई के जरिए यह पता करना चाहता है कि जिन्ना की तस्वीर कहाँ लगी हुई है। दोस्तों आपको जानकर बहुत हैरत होगी कि उस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आधे से ऐसे लोग थे जिनको मालूम नहीं था कि यहाँ मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है। लोग इस हॉल से उस हॉल, इस हॉल से उस हॉल करते गए, आखिरी में यह पता चला कि यूनियन हॉल में उनकी तस्वीर लगी है। लेकिन हमें जिन्ना पे बहस नहीं करना है, जिन्ना पर बहस करके हमको मुद्दे को डेविएट नहीं करना है। इसलिए डेविएट नहीं करना है कि एक कंस्टिट्यूशनल मामला है, कंस्टिट्यूशन के आधार पर उनकी तस्वीर लगी हुई है, हटेगी भी तो कंस्टिट्यूशन के आधार पर। दोस्तों आपको भविष्य को समझना होगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सर सैयद के वारिस है, आपको समझना होगा कि सर सैयद की कुर्बानी किस तरीके से थी। आपको समझना होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ये जो तीन सेंटर है, मालापुरम हो या किशनगंज हो या तीसरा जो मुर्शिदाबाद में है, आप समझिए कि इन तीनों की बुनियाद कहाँ पड़ी हुई है। यह ऐसे जगह पे है जहाँ की माइनोरिटी का घेटो है, जहाँ पर सबसे ज्यादा सच्चे कमेटी की रिपोर्ट को अगर देखे तो मुर्शिदाबाद और किशनगंज इस देश का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। वहाँ ये काम किया गया था, या इसलिए काम किया गया था क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक तहरीक थी जिसकी बुनियाद थी सोसाइटल डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन तीनों को आधार बनाकर इस देश का जो सबसे पिछड़ा इलाका था वहां पर इन तीनों को कायम किया गया। दोस्तों संघियों को असल कर इस बात की है कि अगर कल होकर ये यूनिवर्सिटी अगर ऑटोनोमस हो जाती है तो माइनॉरिटी क्लास के लोग, मुसलमान के लोग पढ़ना लिखना शुरू कर देंगे। इस वजह से इन लोगों ने बहुत ही लार्ज, बहुत ही आगे का सोचकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बदनाम करना शुरू किया है। दोस्तों मैं यह ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, जब आप देखेंगे कि 8 मार्च 2016 को स्मृति ईरानी के यहाँ जब मीटिंग होती है, सैयद जमीरुद्दीन शाह जब हमारे वाइस चांसलर हुआ करते थे मीटिंग को अटेंड करने जाते हैं, तो जो कैबिनेट मिनिस्ट्री की ऑफिस होती है वहां से इसको शिफ्ट कर दिया जाता है स्मृति ईरानी के घर पे, वहां मीटिंग होती है, हमारे वीसी को मीटिंग अटेंड करने नहीं दिया जाता है। जब मीटिंग अटेंड नहीं किया जाता है उसके बाद ओमन चांडी जो केरल के मुख्यमंत्री है बाहर निकलते हैं, वो बोलते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर इस बात पर अधिक है कि जो तीनों सेंटर जो काम हुए हैं ये अवैध तरीके से काम हुए हैं। दोस्तों ये जो पूरा अटैक है ये उस चीज को देखकर है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है, जो टीचर्स है, वो आगे जाकर अपने कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए बड़ा वर्क करते हैं। दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक तहरीक है और इस तहरीक को हमें जिंदा रखना है, ये कोई और जिंदा नहीं रख सकता बल्कि हमें और आपको जिंदा रखना होगा। जब मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पहली बार आया था तो उस टाइम में मुझे एक शेर मैंने देखा था, पढ़ा था कि शाम दर शाम चलेंगे तेरी यादों के चिराग, शाम दर शाम चलेंगे तेरी यादों के चिराग, नस्ल दर नस्ल तेरा दर्द नुमाया होगा। दोस्तों ये जो शेर है सर सैयद अहमद खान के ऊपर, इसको समझने की जरूरत है कि इसमें कितनी गहराई है। आप देखेंगे कि एक सर सैयद अहमद खान ने जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बुनियाद डाला, उसके बाद इस देश के हर कोने में यहाँ से पढ़े लिखने के बाद जो लोग जाते हैं, एक छोटा सा स्कूल ही जरूर उन्होंने काम किया है। आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल में भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी कायम करता है, तो इसी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक प्रोस्ट अलमीन यूनिवर्सिटी के नाम, अलमीन एजुकेशन सोसाइटी के नाम से साउथ में एक इंस्टीट्यूट को डेवलप करता है।
इस देश का सबसे जो पिछड़ा इलाका है मेवा, वहाँ भी एक अलीग ही जाकर स्कूल खोलता है। दोस्तों आपको समझना होगा कि बिना किसी अफर्मेटिव एक्शन के आजादी के बाद जब आरक्षण छीन लिया गया, जब रिजर्वेशन छीन लिया गया मुसलमानों से, दलितों को रिजर्वेशन दिया गया, मुसलमानों से छीन लिया गया, तो मुसलमानों के पास कोई दूसरा चारा नहीं था। हो सकता है कि हमसे कोताही हुई हो, लेकिन इस देश में जितने भी आप देख रहे हैं इंस्टीट्यूट खोले हुए, मुसलमानों ने अपनी ताकत से खोला है, और इसी ताकत के बल पर आज मुसलमान जो जो कि शरीफ है, पब्लिक है, वो सिर्फ और सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की देन है। जिनके जो बंदा भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से जुड़ जाएगा, वो कहीं ना कहीं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, वो कहीं ना कहीं सर सैयद के सपनों को जरूर साकार करेगा। दोस्तों ये बहुत ही अहम वक्त है, क्योंकि सर सैयद अहमद खान ने एक बार कहा था, जब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के टाइम जब बिल पास हो रही थी, उस वक्त सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि जब देश पर, जब डेमोक्रेसी पर अक्सरियत की आमरियत कायम हो जाए, सुनिएगा इस बात को, जब डेमोक्रेसी पे, जमहूरियत पे अक्सरियत की आमरियत कायम हो जाए, तो आप ये समझिएगा कि डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। दोस्तों ये वक्त हमको समझने का, और इस डेमोक्रेसी को हमें जिंदा करना होगा, हमें एक निजाम कायम करना होगा, और ये हम जो भी कर सकते हैं। दोस्तों हमें समझना होगा कि इस आमरियत को कैसे खत्म करना है, और ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से बेहतर कोई नहीं जानता। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब। अब आपसे सेक्रेटरी मोहम्मद फैज साहब ऐलान करना चाहते हैं।